गुड मॉर्निंग एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, आपका वीकेंड अच्छे से गुजरा है। अगर कराची में तो अच्छा नहीं गुजरा होगा, थोड़ा सा रेनी था और थोड़ा ज़्यादा रेनी था, लेकिन बाकी मुल्क के हिस्सों में अगर आप हैं तो उम्मीद है कि आपका वीकेंड, चूँकि मौसम थोड़ा बेहतर था, गर्मी थोड़ी कम थी, अच्छा गुजरा होगा इस उम्मीद के साथ। और साथ इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन आपका अच्छे से स्टार्ट हुआ है, अगर नहीं हुआ तो लग रहे हो जाए। मैं हूं इमरान हसन, हम साथ रहेंगे आपके साथ। एंड कराची रेन्स, कराची रेन से पहले आप जब तक उठ गए मैं मुश्किल से उठता हूँ सभी। जैसे आज मंडे का दिन मेरे लिए तो इतना लेजी नहीं था इमरान, सुबह से कहते पता नहीं, समझ नहीं आ रहा मंडे का कुछ वो, लेकिन स्टिल जी प्रोसेसर स्लो चल रहा है। बहुत सारे लोगों का प्रोसेसर स्लो होता है मंडे को, लेकिन स्टिल जी आगे जैसे जैसे वीक जाएगा आपकी एनर्जी अप हो जाएगी। और मीनवाइल हम कराची बारिशों का जी जिक्र कर लेते हैं। और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो बारिशें थी वो सिस्टम अब कम दबाव के साथ सिंध में दाखिल हो गया है। हाँ, लेकिन ये जो कम दबाव वाला सिस्टम भी था इसने भी खासी तबाही मचाई और उसने काफी दबाव वाले से ज्यादा बारिश होती है। एग्जैक्टली, और जिसने जिस तरह से कराची की सिचुएशन हमने देखी, हल्की बारिश हुई, बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे वक्फे अभी भी जारी है कराची के अंदर। लेकिन अगर हम कराची के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें जिसमें शाहराह फैसल है, ज़ैनब मार्केट है, जो एम टी खान रोड है उसके तरफ से वक्फे वक्फे से बारिश है, हाँ वहाँ पे बारिश है, लेकिन शहर में हर तरफ पानी ही पानी है। बरसाती नालों की बात की जाए वो ओवरफ्लो हो गए हैं, करंट लगने से चार अफराद जिंदगी की बाजी भी हार गए, और सबसे ज्यादा बारिश सदर में जिस तरह नाम ने कहा 164 मिलीमीटर जो है बारिश रिकॉर्ड की। और ये थोड़ा इलाका भी ऐसा है, थोड़ा कंजेस्टेड इलाका है तो यहाँ पे पानी चढ़ भी जाता है। खैर, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने खतरे की घंटी बजाई और शहर में 200 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई की है। ऐसा हुआ तो कराची की सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ पानी ही नज़र आएगा, अभी भी पानी ही नज़र आ रहा है। तो इसमें हम तो दुआ ये कर रहे हैं महज इसके लिए कि किसी की सियासी कारकर्दगी एक्सपोज हो, हम मजीद बारिश की दुआ करें और फिर हम इस बात पे एक ट्वीट करें या ख़बरें दें कि जी देखें सिंध हुकूमत ने क्या किया। नहीं, हम नहीं चाहते, हमें मालूम है सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया कम अज़ कम इस मामले को लेकर, और तभी सिंध की और कराची की ये सूरत हाल है। हम चाहते हैं कि बारिशें कम हों और अगर हों तो खैर की हों। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब के साथ निकासी आपके निज़ाम का जायज़ा भी लिया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हम, जो आई आई चंडीगढ़ रोड है, सबसे फेमस बिजनेस स्ट्रीट हम इसे कह सकते हैं, सिटी स्टेशन है, इसके अलावा जो इसको के टी खान रोड से मिलाने वाला पुल है और जो रेलवे ट्रैक के साथ साथ बनाए गए नाले हैं, इसका मुआयना किया इन दोनों अहम शख्सियात ने। शदीद बारिशों के बाद आज कराची और हैदराबाद डिवीज़न में आम तातील दे दी गई है, आम छुट्टी कर दी गई है, ग्रीन लाइन बस सर्विस नहीं चल रही आज, उसको भी बंद किया गया है, और सिंध असेंबली का आज होने वाला इजलास भी अब 27 जुलाई को। यानी ओवरऑल जो जिंदगी है वो मफलूज हो गई है कराची में। कराची वाले बारिश की दुआ कर रहे थे, बारिशें आई जो दो की कम दबाव के साथ आई, बट स्टिल जिस तरह से ये मनाजिर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कोई आप किसी नदी या नाले का मनाजिर नहीं, कराची की सड़कें हैं, मेन शाहराएं हैं जहाँ पे ये मनाजिर हैं। सो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जब ये बारिश होती है और जब सिंध में बारिशें होती हैं तो ये हाल होता है। बिल्कुल, अल्लाह ताला से ही दुआ कर सकते हैं कि बारिशें कम बरसाएं, यही है। हाँ, और बरसे तो खैर की बरसे, बारिशें असल में जरूरी भी तो है ना, अब ये भी तो एक है। अच्छा जी, और ये सिर्फ एक जगह पे नहीं है, मुल्क के दीगर हिस्सों में भी सिलसिला जारी है। अपर कोहिस्तान के इलाके कुंदिया की वादियों में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल है, फसलें तबाह हो गई हैं, घर बह गए हैं, कई जो मिनी हाइडल पावर भी थे वो भी इस वक्त सैलाब की नजर हुए हैं। राजनपुर को मान का जो पहाड़ी इलाका है यहाँ पे बारिश है। आज शहर कायद का मौसम कैसा है इस पर भी हम बात करते रहेंगे, इस हवाले से भी कोशिश क्योंकि बीच में आपको आगाह करें। लेकिन इसके साथ साथ वंस अगेन एक तो ये कि अपनी मदद आपके तहत जो लोग काम करें वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोग उन इलाकों में हैं जो कि कदरे महफूज इलाके हैं वो ज़रूर कोशिश करें कि उन लोगों को अप्रोच करें जो इस वक्त मुश्किल सूरत हाल में है। हो सकता है उनको कुछ ज़रूरत हो, लोग घरों में महसूर हो जाते हैं, लोग बीमार, लोग मेडिसिन नहीं ले पाते, खुराक का मसला होता है, जैसे छोटे बच्चों के दूध का मसला होता है, तो इनको रीच आउट ज़रूर करें। हो सकता है आपकी मदद इस वक्त में बहुत ज़रूरी हो किसी के लिए, तो अल्लाह करे जैसा कि हम कह रहे हैं कि बारिशें कम हों और अगर हो रही हैं तो खैर की हो। इस दुआ के साथ हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज के प्रोग्राम में पॉलिटिक्स के हवाले से भी बहुत कुछ है। मंडे है, बारिशों के चक्कर में हम भूल ही गए, बहुत ही अहम दिन है पाकिस्तानी सियासत को लेकर, ख़ासतौर पर पंजाब की सियासत को लेकर, इस पर क्या बात होती है, स्टार्ट करते हैं आज का शो, देखते हैं लाइव। तख्ते पंजाब पर हुक्मरानी कौन करेगा, हमजा शाहबाज या परवेज इलाही, सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत आज होगी।
तख्ते पंजाब के लिए हुकूमत और इत्तेहादियों की सरतोड़ कोशिशें, हुकूमत और इत्तेहादियों का फुल कोर्ट बेंच बनाने के लिए पिटीशन दायर करने का फैसला। कराची में मॉनसून का तीसरा स्पेल, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश, शहर फिर पानी पानी, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, बात करेंगे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से उनकी किताब नांगा पर्वत पर। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ेंगे आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात है बड़ी सियासत की जो इस वक्त मुल्क भर में हो रही है। आज बड़ी अहम समात पंजाब के हवाले से और पंजाब में खास तौर पे कि तख्ते पंजाब या तख्ते लाहौर किसकी तरफ जाएगा, इस हवाले से आज बड़ा फैसला है वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के हवाले से। इस पर तनाज़ा खड़ा हो गया और आपको मालूम है कानूनी जंग इस वक्त जारी है। एक बार फिर मामला कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में हफ्ते के रोज़ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक जो दरख्वास्त है इस पर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में आम समात हुई। समात के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कैसा लग रहा है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग हमारे फैसले के खिलाफ है, और बादियों नज़र में हमजा शहबाज का वजारत आला का अहदा गहरे खतरे में है। ताहम अदालत ने हमजा शहबाज को बतौर ट्रस्टी वजीर आला काम करने का हुक्म भी दे दिया और डिप्टी स्पीकर से तमाम रिकॉर्ड तहरीरी तौर पर पीर को तलब किया। आज दोबारा यानी कि पीर को समात होगी। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के हवाले से जो मामला है वो हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इस हवाले से एक बड़ा मुतालबा सामने आ रहा है, वो है फुल कोर्ट तश्कील देने का। सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से वज़ीर कानून क्या कहते हैं आज़म नज़ीर तारड़, ज़रा सुनिए। रिपोर्ट ये ओपिनियन दे हुकूमत एक पाकिस्तान को कि आर्टिकल 63 के तहत अगर कुछ मेंबरान अपनी पार्टी की हदायत से हट के वोट देते हैं तो क्या उनका वोट शुमार होगा काउंटिंग में या नहीं होगा। सियासी नौइयत के और अहम आइनी नौइयत के जो मुकदमात हैं उनके लिए लार्जर बेंच या फुल कोर्ट की ऑप्शन होनी चाहिए ताकि इंसाफ होता हुआ नजर आए। ये 12 करोड़ अवाम का सूबा है, इसको इस मुकदमे के फैसले के बहुत दूरस नतायज होंगे। इदारों की इज्जत और तकरीम को बहुत मोतबर और मौकर जानते हैं और इंशाल्लाह अजीज हम अपने कंडक्ट से ये साबित करते आए हैं और करते रहेंगे। फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से जो बाकायदा ऐलान है वह हुकूमती इत्तेहाद और पीडीएम की जमातों के कायदीन आज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे, जबकि गुज़िश्ता रोज़ बात की जाए तो पीडीएम के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने भी एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इदारों पर तनकीद के खूब नश्तर बरसाए। आप भी सुने क्या कहते हैं मौलाना साहब। फंडिंग केस एक दिन इलेक्शन कमीशन की तारीफ होती है, उसके ज़िमनी इलेक्शन के नतज तस्लीम किए जा रहे हैं और अगले दिन उससे इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। इसलिए कि फॉरेन फंडिंग केस कौन तहफ़ दे रहा है उसको, क्यों इदारे इस हवाले से अपने फर्ज सर अंजाम नहीं दे रहे और बिला वजह एक शख्स आप सहारा दे रहे हैं। ये चीज़ें इंतहाई तशवीश का बायस है हमारे लिए। हम अपनी तशवीश के इजहार का हक रखते हैं और हम कर रहे हैं और कल इस केस में हम बतौर जमात के फरीक बनेंगे और हमारे आईनी माहिरीन उसमें अब जमा करेंगे और फुल कोर्ट का हम मुतालबा करेंगे। जी दूसरी जानब फवाद चौधरी साहब कैसे पीछे रह सकते थे, वो भी मैदान में आए, उन्होंने भी हुकूमती इत्तेहाद को खूब आड़े हाथों लिया। सुबह से तकरीबन 9 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो जुडिशरी के खिलाफ जो एक बयानिया बनाने की कोशिश हो रही है उस सिलसिले में मौजूदा हुकूमत की तरफ से हुई हैं। मामला ये है कि हम ये देखते हैं कि जो नून लीग है और अब पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ही मिलके ये एक सिसिलियन माफिया की तरह एक्ट करती हैं और माशाल्लाह इन्होंने अब नया डॉन फजलुर रहमान को चुन लिया है जो अजीबोगरीब बातें कर रहा है। इस शख्स में यानी रियासत की जो बुनियादें हैं उसकी कोई तमीज़ ही नहीं है, उनको बात करने का सलीका नहीं है, गुफ्तगू नहीं है। जिस तरीके से वो कहते हैं कि अदालतें अपनी जजेस जो हैं वो अपनी हदूद में रहें, आप कौन होते हैं जजेस को इस तरह से बातें करने वाले।
People's Party and PPP are acting like Sicilian mafia was said by Information Minister साहब. अच्छा जी, हमारे साथ आमिर इलियास राणा साहब मौजूद हैं, सीनियर साफी, और हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद के. उनसे जरा तजिया लेते हैं अब सूरत हाल के. आमिर साहब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल है, कुछ अच्छी सूरत हाल तो नहीं है लेकिन हर लम्हा बदल जरूर रही है. आज फिर तमाम नज़रें एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं और पीर का दिन बड़ा अहम है. उम्मीद ये की जा रही है कि शायद आज इस हवाले से कोई ना कोई फैसला आ जाएगा. अब दूसरी जानब हमजा साहब ने अपनी कैबिनेट भी लंबी चौड़ी बना ली, तो अब आपका क्या तज़िया है जी, ये जो फुल कोर्ट का मुतालबा है मुख्तलिफ जमातों की जानब से, क्या सुप्रीम कोर्ट इसको कंसिडर करेगा जब तमाम तकरीबन सियासी जमातें ये बात कह रही हैं, उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट बार है उसका भी ये मुतालबा है, तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको कंसिडर करेगी या इसी बेंच के साथ जाएगी? देखिए, बदकिस्मती की बात है कि हमारा जो मिनासुल कौम रवैया अपने इदारों के साथ, अपने इदारों का लोगों के साथ एक जैसा बन गया है, और उसके ऊपर यही मैं जो लफ्ज़ मैंने कहा बदकिस्मती है, क्योंकि ये जो सारा तनाज़ा अगर हम इसको लंबा चौड़ा ना भी फैलाएं तो शुरू तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट की आला अदलिया की एक जजमेंट आई कि उसमें जो आर्टिकल 63A को बेसिकली रीराइट करने की एक कोशिश है कि 63A को जीरो कर दिया गया, ये कहकर कि आप वोट काउंट भी नहीं करेंगे और बंदे डी सीट भी हो जाएंगे. जब आईन बनाने वालों की मंशा ये थी कि वोट काउंट भी होगा और वो बंदे डी सीट भी होंगे, और जब यहाँ से तनाजा शुरू हुआ और फिर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, जो भी प्रेजाइडिंग अफसर है उसको ये इख्तियार मिल गया कि वोट इस बुनियाद पर वो मुस्तरद कर सकता है, पहले ये इख्तियार किसी के पास नहीं थे, तो चूंकि उसका फायदा उस वक्त चौधरी परवेज लाई साहब को पहुंचा और वो 25 लोगों के वोट काउंट नहीं हुए, यानी ये फील किया गया कि एक महीने पहले बैक डेट से ये फैसला लागू हो गया, तो या रन ऑफ इलेक्शन की सूरत में आया. अब जब रन ऑफ इलेक्शन की सूरत में ये फैसला आया तो वहां पे चौधरी शुजात हुसैन का खत सामने आ गया जी. और खत सामने आने की सूरत में डिप्टी स्पीकर ने वो वोट काउंट नहीं किए बल्कि मुस्तरद करके हमजा शहबाज को 3 वोटों की अक्सरियत से जितवा दिया, तो चौधरी परवेज लाई थे. अब मसला क्या है, तशरी इसकी अदालत में होनी है. फसाद का शुरू हुआ PMLN के बकौल के अभी PTI पहुंची नहीं और वहां पे लाहौर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को खोल दिया गया और वेट करने लग गए एहलकार वहां बैठ के कि जी पिटीशन आएगी तो उसे लेना है. ठीक है, वो नाराजगी बन गई. अब वो ये कहते हैं कि हम सब ने, जैसे जस्टिस मदर आलम मियां खैर और उनके दूसरे मोहतरम जज ने इस बेंच में एक इख्तलाफी नोट दिया था कि वो इस फैसले को तस्लीम नहीं कर रहे थे कि जी आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप रीराइट कर दें 63A, तो उन्होंने रिटायरमेंट से एक रात पहले 13 जुलाई को अपना फैसला भी जारी कर दिया क्योंकि तफ्तीली जजमेंट नहीं आई थी. अब वो सारा कुछ हो गया और उसी को अपनाते हुए अब उसके ऊपर तो बहस आज नहीं है, उसके ऊपर हमारा मकसद नहीं है, हम तो एक बैकग्राउंड में बात कर रहे हैं कि जी उन्होंने भी उसको हम कह लें कि फायदा उठाया सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट का जिस पे इतराज भी है. अच्छा, ये जो सारे सीनियर कानूनदान है जो कह रहे हैं कि ये गलत फैसला है, तो असल में वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह है, क्योंकि वो उस वक्त भी गलत था तो आज भी गलत है, लेकिन चूंकि वो अमल हो गया एक पार्टी के लिए कि उसमें PTI के 25 लोगों को पिछली तारीखों से नाअहल करार दे दिया, ये ना होता तो रीपोलिंग ना होती बल्कि अदम एतमाद की तारीख लाई जाती. चूंकि अब हमारे लोग आ गए, 15 जीत के हमारे पास आ गए और हमारी वाज़ेह अक्सरियत है और वो हम अशरीफ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा कराते, वोट उनके पास 86 मौजूद थे, 186 मौजूद थे और शुजात अगर साथ रहते या जो भी बात थी, क्योंकि इसमें ये देखें कि जब नवाज शरीफ को नायल किया गया मुस्लिम लीग नून की सदारत से सुप्रीम कोर्ट के, ये दो इसमें से 3 रुक में से 2 जी उस बेंच में भी शामिल थे जिसमें उन्होंने कहा कि पूरी पार्टी पार्लिमानी पार्टी अपने पार्टी सत्ता के गिर्द घूमती है, ठीक है, और उनका हार चलता है और वही वो फैसले देते, वही लोग फैसले करते. अच्छा आमिर साहब, इसमें जो हमजा शहबाज साहब हैं उनकी जो कोर्ट मौजूद अदालत के मुताबिक उनकी जो हैसियत है इस वक्त सारी सिचुएशन में वो बहुत ख़तरे में लग रही है, जिस तरह से पहले भी उन्होंने हल्फ उठाया, जिस केओस के अंदर उनके हल्फ पे डिले आया, उसके बाद उन्होंने हल्फ उठा लिया, फिर उसके बाद अब जो मामला हुआ है, आपको लगता है कि अब ये सिचुएशन और काबीना की तश्कील भी उन्होंने दे दी और लंबी चौड़ी काबीना भी उन्होंने ली जिन्होंने हल्फ भी उठा लिया, अब इस सारी सिचुएशन में Where does he stand basically? क्योंकि उनके लिए ये एक चेयर और वजीर आला की कुर्सी पे बैठना obviously एक अहमियत का हामिल तो है, लेकिन जब अदालत की तरफ से ये रिमार्क्स आए हैं तो आप इस सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं?
देखें ये एक पार्टी पोजीशन ली गई है, बल्कि पार्टी का एक अलायंस ने पोजीशन ली है कि हम नहीं मानेंगे। जब उन्होंने तो कह दिया ना अब, और अभी थोड़ी देर में सारे ये कायदीन जो पीएमएल और इनके तादी हैं, सारे के सारे पीएम ऑफिस से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शायद आपके इसी प्रोग्राम के दौरान आ जाएगी कि जी वो करेंगे, और वो कहेंगे कि हम पिटीशन करने जा रहे हैं कि इस तरह के मामला को फुल कोर्ट सुने। सुप्रीम कोर्ट बार ने भी कहा, और उस वक्त भी बात यही आई थी कि जब इस तरह के अहम आईनी मामला हो तो चंद जजेस के फैसला नहीं करना चाहिए, लेकिन बहरहाल ये चीफ जस्टिस की जवाबदेही तो होती है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा एक इसमें आमिर भाई दो चीजें, जी प्लीज प्लीज मुकम्मल करें। छोटी सी बात कि चूंकि जवाबदेही तो बेशक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की है, लेकिन जब खुद चीफ जस्टिस साहब की राय पहले किसी और केस में भी मौजूद है, अब भी मौजूद है, और जिस तरह के रिमार्क्स लाहौर रजिस्ट्री में दिए गए उससे कुछ कंट्रडिक्शन सामने आ रही है। अच्छा। तो मुतालबा ये हो रहा है कि जी अब आप तो बैठे, ये नहीं कह रहे कि आप तीनों उस फुल कोर्ट में ना बैठे, लेकिन आप सारों को बिठा के इस मसले को हल करें कि जिसके ऊपर तनाजा। आप देखें पीटीआई की जब जो कासिम सूरी साहब ने असेंबली कहा था कि अदम एतमाद की तहरीक खत्म, क्योंकि ये इसमें साजिश शामिल है, और इमरान खान साहब ने असेंबली थोड़ी चंद सेकंड्स के अंदर जिसके ऊपर फैसला भी आ चुका है, वहां से ये काम शुरू हुआ कि जी आपने उस वक्त तो डिप्टी स्पीकर को नहीं तलब किया जिसको आपने आईन शिकनी के करीब करीब करार भी दे दिया, उसका फैसला भी खत्म कर दिया, और यहाँ पे पंजाब के डिप्टी स्पीकर को आप जाती हैसियत में भी बुला रहे हैं। तो इन सारे तनाजों ने बेसिकली आज आपको और हमें इस गुफ्तगू पे मजबूर किया है कि आज होगा क्या। ये है वो सारा फसाद के जी मुख्तलिफ जो फैसले हैं इन्हीं जजेस के भी, उनके ब्रदर जजेस के भी, रिटायर्ड जजेस के भी, एक ही केस के बारे में मुख्तलिफ आ रहा है, ठीक है, तो छह इसको एक बुनियाद बेंच सुने, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे सिर्फ कानूनी आईनी बहरान पैदा नहीं हो रहा, कानूनी बहरान मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम मजमू तौर पर एक क्योस किसी सूरत हाल में जा रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा का जो ट्वीट था एक दिन पहले जिसमें उन्होंने आखिर में लिखा था बस बहुत हो गया, और उन्होंने उसी तीन रुकनी बेंच की जाने मौजूद बेंच की जाने में इशारा किया और उन्होंने कहा कि जी मर्जी के फैसले हो रहे हैं। फिर कल जेयूआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सभी जमातें इस पर एतराज़, कमर जमान कायरा का पीपल्स पार्टी से मौकफ आया और सभी जमातें इस पर एतराज़ कर रही हैं। एक तो ये कि साबिक कुछ जस्टिस साहिबान को, जैसे जस्टिस मकबूल बाकर साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने भी कहा जी कि आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ है 63A को, जिस तरह का ये फैसला है। तो इस सारी सूरत हाल से पहले जब भी कोई क्योस की सूरत हाल पैदा होती थी आमिर साहब, तो हमें सुप्रीम कोर्ट निकालती थी, हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते थे। अब सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ ही मुतनाज़े हो रही है, मैं बयानात की रोशनी में बात करूँ, जो लोग मुख्तलिफ सियासी जमातें बयानात दे रही हैं, तो ये मामला फिर किस जानिब जाए, बहुत एक क्योस की सी सूरत हाल बनती नजर आती है हमें। बिल्कुल यही बदकिस्मती है कि जब इमरान खान साहब ने जो असम्बली छोड़ी थी और उसे बहाल किया गया तो इन्हीं जज साहिबान के साथ क्या हुआ था, सोशल मीडिया पे किस कदर उनके खिलाफ मुहिम चलाई गई। अब जो आपने सवाल किया तो यही काम अब हो रहा है, लेकिन अब एक बात ये हो रही है कि जी ये गलत बात इसलिए हो रही है कि आपके अपने फैसले मुख्तलिफ बेंचों में दिए गए, मुख्तलिफ अदवार दिए गए, वो एक दूसरे को फंसा रहे हैं, कंट्राडिक्ट कर रहे हैं कि जी आप एक वक्त में पार्टी हेड को ही सब कुछ करार देते हैं, एक वक्त में आपके जो रिमार्क्स हैं, क्योंकि फैसला तो नहीं है, कुछ फैसला है जिसमें उन्होंने एक फिर वो आईन के अंदर इस तरह के वजीर आला की कोई हैसियत नहीं है जो हमजा शहबाज को दी, और उन्होंने खुल के अपनी 41 रुकनी 40 रुकनी काबीना भी बना दी कि जी अब आपने जो फैसला कल करना है, फिर कल लोड हुआ था कि आप कर लीजिए, कि वो एक स्टैंड लेके खड़े हो गए कि उनका उन सबका ख्याल ये है कि चूंकि मखसूस बेंच बनता है, मखसूस जज होते हैं, इसलिए इस तरह के रिमार्क्स भी आते हैं, फैसले भी आते हैं। अब जो शोएब शाहीन साहब है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर, जो इमरान खान साहब के लिए 2-3 फंक्शन भी कर चुके हैं, उनकी पार्टी के करीब भी बहुत हैं, वो कह रहे हैं कि जजेस के टिकर्स रिमार्क्स नहीं चलने चाहिए। अच्छा ये बात, लेकिन इसमें एक चीज समझ नहीं आती ना कि रात को अगर 12 बजे कोर्ट खुले तो जलसों में इमरान खान आड़े हाथों लेते हैं, मजलिस कोर्ट के ऊपर तनकीद करते हैं, मजलिस जज साहिबान पे आमिर भाई, और दूसरी जानिब अगर हमजा शहबाज के खिलाफ फैसला हो, अगर हमजा शहबाज साहब के खिलाफ फैसला हो तो मरियम नवाज आड़े हाथों लेती हैं, तो ये तो जिसके हक में फैसला नहीं आएगा अगर उसने यही करना है तो फिर इदारे कैसे चलेंगे, जब कुछ नहीं बचता तो फिर सारा मलबा एस्टेब्लिशमेंट पे फौज पे भी डालने की कोशिश की जाती है, जैसे कि हर पार्टी हस्बे जायका या हस्बे तौफीक में क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं थोड़ा बहुत करते रहते हैं, पहले इमरान खान साहब शुरू हुए, फिर अब वो थोड़ा रुके तो नून लीग शुरू हो गई, जेयूआई भी कल फजलुर रहमान साहब ने भी बड़ा ओपन वर्ड्स के अंदर तनकीद की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर,
तो अगर ये ऐसे ही चलना है तो फिर ये जो एक एक रियासत का स्ट्रक्चर है, जो इदारों का एक स्ट्रक्चर है, जो आईने पाकिस्तान के तहत एक रियासत खड़ी है, ये तो रियासत कमजोर हो रही है। और क्या इसका किसी को एहसास नहीं है हम किस जानिब जा रहे हैं? जैसे मेरे गुफ्तगू में सवाल के जवाब में आपको नहीं समझ आया कि इख्तियार आपके पास है कि मैंने सवाल जरूर करना है और जवाब देना है, तो इसी तरह इस मुल्क के तमाम इदारे यही कुछ कर रहे हैं कि नहीं अब मेरी बारी है, मैंने ही बात करनी है, तो फिर हम सारे ही तनाजात का शिकार हो चुके हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जब चीफ जस्टिस थे कहा था, उनके ऊपर भी बहुत बातें होती रही, लेकिन उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान वहां खड़ा है जहां सबको बैठ के डायलॉग करना चाहिए। आपके पास भी मॉर्निंग शो में भी कह चुका, वैसे भी कहता हूं कि पाकिस्तान इस सूरत में गवर्नेबल नहीं है। जहां हम सब ने मिलके, ये हमारी क्यादत है, हमारे इदारे हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जहां जा को पहुंचाया है, ये अदालती फैसले इसी तरह हो गए कि अगर पीटीआई के हक में नहीं है तो जो मर्जी जजों के साथ कर लो, कोई पूछने वाला नहीं है, और अगर पीएमएलएन के वजीर आला के खिलाफ फैसला आया तो जो मर्जी कर लो, कोई पूछने वाला नहीं है। चूंकि हम सब अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करने के आदी नहीं है, अदलिया की तरफ से ऐसे फैसले साकिब निसार साहब से शुरू हो जाए जहां नजर आता है कि वो एग्जेक्टिव का इख्तियार खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ जस्टिस अथर मिनल्ला ने इमरान खान साहब के दौर में ये कोशिश की कि जब कोई इंतजामी मामला आए तो वो उन्होंने कहा कि नहीं आप एक दफा हुकूमत के पास चले जाएं, जो भी पिटिशनर गया एप्लीकेशन लेके गया कि ये फैसला उनका है, आप हमें ना कहें बार बार, जो कि होना चाहिए था। बाकी हर जगह से सिर्फ ऑर्डर आए हैं कि मेरी हदूद से मैं आगे। अब सदर मुमलिकत परसों उन्होंने तजवीज दी है जी, बिल्कुल आ जाए, एस्टेब्लिशमेंट भी बैठ जाए, फलां भी बैठ जाए। भाई आप हर रोज तो बैठ के जब प्राइम मिनिस्टर आपको भेजते थे आप रेफरेंस भेज देते थे, और उस प्राइम मिनिस्टर का रेफरेंस भेजा हुआ काजी फायज ईसा का, जिसपे उन्होंने कहा कि मुझे गलत बताया गया और मुझे नहीं भेजना चाहिए था, यानी सदर साहब अपना कोई दिमाग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। हाँ जब करते हैं कि कोई आर्डिनेंस चला जाए, किसी गवर्नर की तब्दीली चली जाए, तो सदर आरिफ अलवी साहब सब कुछ भूल के उस पर वो इख्तियार शुरू कर देते हैं कि 14 दिन भी वेट कराऊंगा, फिर अगले 14 दिन की समरी आएगी उस पर भी वेट कराऊंगा। तो ये आपको मैंने सब गिनवा दी, ठीक हम सब कौम में नेशनल कौम उस गड़े में जा रहे हैं जिस तरफ नहीं जाना चाहिए। राइट आमिर सर, हमें अब भी होश के नाखून लेने चाहिए। इकोनॉमिक सिचुएशन में तो हम बात ही नहीं कर रहे, सही हम तो पोजिशनों पे बैठ जब तक हम अपनी मफाद से बालतर होके नहीं सोचेंगे तब तक इस मुल्क का कुछ नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच आमिर भाई, बहुत अच्छा कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। मौजूदा सियासी सूरत हाल पे और जो फुल कोर्ट के हवाले से मुत्तहिदा इत्तेहाद की जो डिमांड है उसके हवाले से हम बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब। मौसम की सूरत हाल पे हमने बात की और पिछले हमने कुछ दिनों में देखा कराची में जिस तरह से बारिश हुई, और हमने शो के आगाज़ में भी किया कि जो पानी की सिचुएशन है कराची में कुछ इतनी खास अच्छी नहीं है। इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे आफ्ताब खान हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। सबसे पहले तो आज अगर हम कराची के मौसम की बात करें आफ्ताब साहब, किस तरह से एक्सपेक्टेड है महकमा मौसमियात की जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक, और सेकेंडली जो पिछली बारिशों से कराची की सूरत हाल थी उसमें कुछ बेहतरी हुई या मजीद ख़राब ही है हालात अभी तक? जी देखिए, मौसम की आपने बात की तो इस वक्त कराची का मौसम चूँकि गुज़श्ता 24 घंटों से गरज चमक के साथ कराची में बारिशें हो रही है, तो उसकी वजह से इस वक्त भी अगर मौसम की बात करें तो बुनियादी तौर पर मजबूती तौर पर मौसम खुशगवार है, और जो एक हिद्दत थी चंद दिन कबल वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि 217 मिलीमीटर बारिश जो है वो कराची में रिकॉर्ड हुई है, और ये 217 मिलीमीटर बारिशें जो है ये 24 घंटों के अंदर इंतज़ामिया के तमाम तर दावे जो है वो साथ बहा कर ले गई, ये कहना बेजाना होगा। पहले तो हम बात करते थे कि कराची में किस जगह पर अर्बन फ्लडिंग की सिचुएशन पैदा हुई, लेकिन कल जो है अब हम ये बात अब कर सकते हैं, ये कहने के मजाज है कि कौन से इलाके हैं जिसमें अर्बन फ्लडिंग नहीं थी। अच्छा। तो कल जो है बड़े कर्ब में लोगों ने रात गुजारी है, और जिस गरज चमक के साथ ये तीसरा स्पेल जो है कराची में जमकर बरसा, इसकी वजह से हमने देखा कि नशेबी आबादियाँ और इसके अलावा जो नालों के अतराफ़ में जो आबादी है, गो के कराची में बड़े नाले भी हैं,
तो उसके कुर्ब जवार में जो लोग थे उन्होंने खौफ में रात गुजारी कि किस वक्त ये नाला ओवरफ्लो होता है और उसके बाद उनके घर जो है वो जहरे आब आ जाते हैं। इसमें हम शेरशाह नाले की बात करें, गुजर नाले की बात करें, महमूदाबाद नाले की बात करें, तो वहाँ के मकीन जो है चूँकि वो शाम के वक्त जो है ये सब चीज़ का तजर्बा कर चुके थे, उनके घरों में पानी दाखिल हो चुका था, तो वे खौफ के साए में रहे। इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि इन्होंने क्या सीखा पिछले स्पेल से, जो दूसरा स्पेल था जो ईद के करीब करीब जो स्पेल आया था, जो हैवी स्पेल था, तो उससे मैंने ये नतीजा अखज़ किया कि आज भी शहर की सड़कों पर मुझे एक झाड़ू बरदार फोर्स इनकी ज़रूर नज़र आ रही है। अच्छा। जिन्होंने डंडों के साथ झाड़ू बांध के वो सफाई में मशगूल है, लेकिन जो हैवी मशीनरी है वो आज भी सड़कों पर नहीं है। इस वक्त 217 मिलीमीटर बारिश जो है वो सदर में रिकॉर्ड हो चुकी है, बदतरीन हालत है वहाँ पर। ज़ेबुनिसा स्ट्रीट की बात करें और इम्प्रेस मार्केट की बात करें और दीगर जो सदर के तरफ के जितने इलाके हैं वो बदतरीन मंजर पेश कर रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरी फिगर जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अगर हम देखें तो वो 204 मिलीमीटर जो है वो मसरूर पर हुई है। अच्छा, मसरूर बेस जो है वो एयरफोर्स का एक बेस है जो कि हॉक्स बे पर वाक़ है। अब वहाँ तक रसाई जो है वो मीडिया की, जाहिर सी बात है मीडिया तो वहाँ तक जा रहा है, लेकिन वहाँ के क्या हालात है, उसके जो करीब की आबादी है गुलबाई चौक है, इसके अलावा शेरशाह की आबादी है, बताया जा रहा है कि वो तमाम तर जो आबादी है वो इस वक्त शदीद मुश्किल का दौर जा रहे हैं। तो बाकी मानदा जी हमें तो अब मालूम पड़ा है कि जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो भी मुतासर हुआ है एयरपोर्ट का, चूंकि आपने जिक्र किया तो मुझे याद आ गया। तो इस हवाले से कोई मालूम है आपके पास फ्लाइट ऑपरेशन को लेकर, और इसके साथ साथ ये भी कि अगर वैसे तो छुट्टी दे दी गई है लेकिन कराची इतना बड़ा शहर है और हमें मालूम है, हम कराची में जो वक्त गुजरा है कि हर वक्त सैकड़ों हज़ारों एम्बुलेंसेज सड़क के ऊपर होती हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इमरजेंसी चल रही होती है, तो क्या इस वक्त एम्बुलेंसेज और जो ये हंगामी गाड़ियां हैं ये भी फिर कम्यूट नहीं मूव कर पा रही हैं, इनका भी मसला चल रहा है वहाँ पर? जी देखिए, मैं पहले इस सवाल को ना इंतज़ामिया से जोड़ दूँ ज़रा कि जो शहर के इकतदार पर जो बैठे हुए जो लोग हैं, जो आला अरबाब इकतदार है, उन्होंने एक ये स्टेटमेंट पिछले दिनों जारी की थी कि बारिशों में जो है ज़ाहिर है मशीनरी मूव करते हैं तो ख़राब हो जाती है पानी की वजह से, तो ये दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। अब अगर इसको ले लें हम जो समाजी इदारों की जो गाड़ियाँ हैं, खुदा ना खास्ता किसी पेशेंट को अगर वो उठाती है अस्पताल ले जाने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादातर उनके पास हाईएक्स या हाई रूफ की जो छोटी गाड़ियाँ जो इस्तेमाल करते हैं वो इन बारिशों में जिस तरह अर्बन फ्लडिंग इस वक्त शहर की सड़कों पर हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो मरीज भी अस्पताल तक पहुंच पा रहा हो। लेकिन साथ में अगर फिर हम आपने एयरपोर्ट की बात की, तो कल रात जो है कराची में चूंकि 1500 मीटर रह गई थी धुंध, यानी 1.5 किलोमीटर के करीब करीब जो हद निगाह थी और शदीद धुंध थी बारिशों के दौरान, तो इसके दौरान हमने देखा कि तकरीबन 10 परवाजें जो है बैन अवी और यानी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल वो मनसूख हुई और तकरीबन 9 के करीब जो है वो ताखिर का शिकार रही। पिशावर की एक फ्लाइट थी जो कल लेट नाइट जो है फिर रवाना हुई। ये सिचुएशन तो जिना टर्मिनल पर रही, लेकिन जिना टर्मिनल पर कोई बहुत मार्कतुलरा बारिश नहीं हुई। इस वक्त जो एयरपोर्ट पर, तो जाहिर सी बात है जिन जहाज़ों के पास जो है वो अगर एरोनिक सिस्टम अच्छा है वो, तो वो टेकऑफ भी कर रहे हैं, लैंडिंग भी कर रहे हैं। इस वक्त तो वहाँ पे ऑपरेशन मामूल के मुताबिक, असल बात सड़कों की है कि जिस तरह आपने भी ये समाजी इदारों की बात की। इसके अलावा शहरी जो है वो चूंकि आज तो तातील है, लेकिन अगर ये जो सरकारी सतह पर प्राइवेट ऑफिस में अगर जो है वो लोग अगर जा रहे हैं तो वो किस कर्ब के आलम में अपने दफातर पहुँच रहे होंगे या अपने दुकानों पर पहुँच रहे होंगे और उनकी दुकानें जो है। दूसरी जानब मैं मार्केट्स के हवाले से जानना चाहूंगी कि आम तातील का ऐलान तो किया गया, मार्केट्स के हवाले से क्या फैसला हुआ, क्या आज मार्केट दुकानें खुलेंगी? जी देखिए, इन्होंने प्राइवेट सतह पर भी सिंध हुकूमत ने जो है वो जो निजी कारोबार करने वाले लोग हैं, दफातर वाले, उनसे भी ये कहा था कि इस फैसले की तौसीक करते हुए, इसकी तायद करते हुए वो भी कारोबार बंद रखे। अब वो जो लोग हैं ज़ाहिर जिन्हें पता चल रहा है कि उनकी दुकानें जो है पानी में जेर आब आ चुकी है या फिर दीगर जो उनको मसाइल है, क्योंकि शहर जो है वो तो आपको पता है खस्ता हालत तो यहाँ पे एक अरसे दराज से कायम है, तो उसके नतीजे में जाहिर है वो अपनी दुकानें खोल रहे होंगे। लेकिन बहरहाल ये जिस वक्त जहाँ जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ गुरु मंदिर, तो यहाँ पे दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोली हुई, कुछ ड्राई क्लीनर्स की दुकानें, इसके अलावा कुछ दीगर दुकानें यहाँ पे खाने पीने की चीज़ों की लोग अपनी उन्होंने खोली है। मतलब आखिर में ये भी बता दीजिए कि ये हर दफ़ा ये सीज़न आता है, आप हर दफ़ा रिपोर्ट करते हैं, हम हर दफ़ा ये सवाल करते हैं और हर दफ़ा जब ये दिन गुजर जाता है तो सरकार भूल जाती है, पिछले साल या पिछले सालों की नस्बत इस साल क्या वाकई सरकार ने कोई इंतजाम किए थे
और बारिश इतनी ज्यादा हो गई कि वो नहीं हो पाई, या बिल्कुल पिछले सालों की तरह वही एक्सक्यूज है और कोई इंतजाम किए ही नहीं गए और ये सूरत हाल बनी है? क्योंकि याद दहानी कराना तो जरूरी है, फिर इलेक्शंस आएंगे, फिर ये लोग जाएंगे, लोग इनको वोट्स दे देंगे, तो कम से कम कोई ना कोई कॉम्पिटेंस आना जरूरी है। बात होगी तो कॉम्पिटेंस आएगी। आप जरा एक हमारे सामने मुवाजना रख दीजिए, चूंकि आप तो कवर करते हैं, आप तो कराची को जानते हैं। देखिए, मैं इस तनाजुर में ना सबसे पहले मैं 2020 की बात कर लेता हूँ कि 2020 में जो है हमारे पास जो बारिश रिपोर्ट हुई थी DHM में, चूँकि उसको कोई रेन ऑब्जर्वेटरी या रेन गेज नहीं लगा हुआ था, इस दफ़ा इन्होंने लगाया महकमा मौसमियात ने 2021 के गालिबा नवंबर या दिसंबर में, तो वो तो रिपोर्ट नहीं हुई थी, लेकिन एक बताया जा रहा है कि 100 मिलीमीटर जो है एक घंटे में हुई थी, वहाँ क्लाउड ब्रस्ट हुआ था। उसके अलावा बाकी मानदा शहर की भी तकरीबन यही हालत थी। तो दुनिया में मैंने ये देखा कि तजर्बात से लोग सीखते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क के मैं नाम नहीं लूँगा, 2005 में वहाँ पे एक इसी तरह की एक सिचुएशन पैदा हुई थी जिसमें लोग जो है कारों के अंदर बैठ के उन्होंने अपनी जानें गंवा दी थी और रात भर तक वहाँ पे जो है बारिश बरसती रही। उसके बाद उन्होंने उससे तजर्बे से सीखा, उन्होंने अपने नालों का निज़ाम, हमारे यहाँ तो अंग्रेज़ जो छोड़ के गया वही नाले चल रहे हैं, उन्होंने अपने नालों को स्ट्रेंथन किया। उसके बाद जो है वो वहाँ पर अगर एक वक्त में एक दिन में 24 घंटे में 400 मिलीमीटर बारिश भी हो जाए तो मैंने नहीं देखा कि वहाँ बहुत ज़्यादा कोई क्रिटिकल सिचुएशन पैदा होती है। इलावा अजी उन इलाकों के जो साहली आबादी है उनकी, तो वो मुतासर जरूर होती है। तो दुनिया ने तजर्बा से सीखा है। हम अनफॉर्चुनेटली अपने बुरे एक्सपीरियंसेस से कुछ अच्छा नहीं पाए। थैंक यू वेरी मच आफ्ताब खान, आपने इतनी डिटेल हमें इन्फॉर्मेशन दी। कराची की मौजूदा सूरत हाल पे, सियासी नहीं मौसम की सूरत हाल पे हम बात कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से कराची का हाल हुआ है हम सबके सामने, उन्होंने कहा कि लोग अपने तजर्बात से या दीगर ममालिक अपने तजर्बात से सीखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कुछ सीख नहीं पाए। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात कर लेते हैं, जहां पाकिस्तान के अर्शद नदीम की 5वीं पोजीशन आई है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जिसका बड़ा चर्चा था, जिसके बारे में हम बहुत उम्मीद थे, जबरदस्त खेले पाकिस्तान के अर्शद नदीम। कोई गोल्ड मेडल या ब्रॉन्ज या सिल्वर मेडल तो हासिल ना कर सके, लेकिन कहा जाए कि परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त रही विक्ट्री स्टैंड तक ना पहुंचने के बावजूद। अमरीकी रियासत ओरिगॉन में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो फाइनल में अर्शद नदीम पहली थ्रो मिस कर बैठे, ये उनके साथ होता है। अब आई डोंट नो क्यों होता है, पहले भी उनके साथ ही हुआ था। दूसरी बार 75.13 मीटर और तीसरी कोशिश में 82.05 मीटर थ्रो कर सके। टॉप 8 में जगह पाने के बाद दोबारा 8 बेहतरीन थ्रोअर को 3-3 बारियां दी गई इवेंट में, जो ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने गोल्ड मेडल जीता और भारत के नीरज चोपड़ा जो बड़े कॉन्फिडेंट थे, यू रिमेंबर, उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था, उन्होंने इस दफा सिल्वर मेडल अपने नाम किया। तो लिहाजा अर्शद नदीम के हवाले से हमने आपको बताया कि वो नो डाउट बहुत अच्छा वो खेले, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन पहली थ्रो, दूसरी और तीसरी थ्रो में उनको अनफॉर्चुनेटली उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, बट स्टिल जी वी होप एंड वी विश हिम अ वेरी बेस्ट। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ही लैक्स दैट पर्टिकुलर टेक्निक जिससे वो अपनी पहली पोजीशन ले सकते हैं, उसमें उनमें स्ट्रेंथ है, उनमें स्किल है, टैलेंट है, लेकिन हमारे यहां प्लेयर्स को एग्जैक्टली सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि उनको वो प्रॉपर फैसिलिटीज या ट्रेनिंग के मौके नहीं मिलते। अभी ये बड़ी बात है कि वो जाते हैं कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हैं, यस, और कुछ ना कुछ परफॉर्म कर लेते हैं, तो लिहाजा हमें उन्हें इसी बात पर इंकरेज करना चाहिए, और ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि इन प्लेयर्स को बैक करे, उनको फैसिलिटीज दे, उनको ट्रेनिंग के प्रॉपर मौके दे, जगह दे, तभी वो जाके आप एक्सपेक्ट करेंगे ना कि वो मेडल्स लेकर आए। अभी तो वो जिस तरह से आई थिंक यहाँ पे तो पार्टिसिपेशन ही बहुत बड़ी बात है कि उस टेबल के अंदर पाकिस्तान का झंडा हो और वो ग्रीन शर्ट पहने एक शख्स हमें नजर आए, एक हमारा एथलीट, और अगर वो टॉप 8 या टॉप 5 में आ जाए तो इससे बड़ी और क्या बात है। तो अर्शद से हमारा कोई गिला नहीं है, हमारा ट्रिब्यूट है, बहुत जबरदस्त पाकिस्तान के लिए एफर्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ी टेक्निक और ऐड कर लें अपनी गेम में तो आई थिंक उनको कोई रोक नहीं सकता एक से एक बेहतर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के हवाले। ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद, शो के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं और अब आइए हमारे सेगमेंट की। बिल्कुल, सफर निकले तेरी तलाश में का वक्त हुआ जाता है और इसमें हम सफर करेंगे आज टूवर्ड्स वंस अगेन नांगा पर्वत के हवाले से। कुछ फिल्म्स भी बनाएंगे नांगा पर्वत के ऊपर और बड़ा अहम पहाड़ रहा है ये, खासतौर पर अगर माउंटेनियर्स के हवाले से बात करें। सो आज के सेगमेंट में क्या बात हो रही है आपको दिखाते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। नंगा पर्वत कमाल पहाड़ है और खूबसूरत पहाड़ है और एक ऐसा पहाड़ है जिसके दामन में खूबसूरत जंगल है। ऐसा नहीं होता 8000 किसी भी उसके दामन में जंगल नहीं हुआ करते, लेकिन ये बहुत से हवालों से मुनफरद है। हुजम के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, बहुत मुनफरद है। इसके हवाले से जो कहानियाँ हैं वो बहुत मुनफरद हैं। इसके हवाले से जो माउंटेनियर्स की यको पैमाओं की कहानियाँ हैं वो कमाल हैं। किताबें जो इस पर लिखी गई हैं वो ज़बरदस्त हैं। जो फिल्में बनी हैं, नंगा पर्वत जो है वो नो डाउट पाकिस्तान का फ़ख्र है। नंगा पर्वत पे, नंगा पर्वत जो ताड़ साहब की किताब है उसके हवाले से ताड़ साहब से गुफ्तगू का, उनसे सवालात का सिलसिला जारी है। ताड़ साहब, आपने लिखा है कि ये जंगल मुख्तलिफ था, ये जब से वजूद में आया तब से कोई लकड़हारा यहाँ दाखिल नहीं हुआ था। यहाँ कुदरत का एक निज़ाम था जो अपने हिसाब से जारी सारी था। किसी भी 8000 के बुनियादों में या उसके यानी अब 14 8000 हैं, तो किसी जगह पे भी आपको पाइन ट्रीज़ का या इतना घना जंगल किसी भी जगह पे नज़र नहीं आता। जनरली आपको किसी भी 8000 के पास जाने के लिए एक बहुत ही तवील सफ़र तय करना पड़ता है और आप ऑलरेडी किसी खास एल्टीट्यूड पे होते हैं। ये दुनिया का वाहिद पहाड़ है नंगा पर्वत, इतना अजीम इतना खूबसूरत पहाड़ है कि इसके दामन में इतना खूबसूरत जंगल है। ये हमारा बहुत बड़ा असासा है और ये सिर्फ हमारा बहुत बड़ा असासा नहीं बल्कि मैं तो समझता हूँ ये पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा असासा है। हम कोई हसास नहीं है इस हवाले से। ये जंगल जो है वो तार साहब आपके इल्म ही होगा कि आप काफ़ी जो है ख़तरे की जद में। वो यही है कि भाई बुनियादी तौर पर वो जंगल जो है, इसलिए मैंने कहा है, हमारे दोस्त हैं सलाउद्दीन महमूद जी, तो फौत हो चुके हैं, तो वो हमें समझ नहीं आती थी। उनका एक फिक्रा हुआ करता था कि सकाफती तौर पर अमीर वो कौमें होती हैं जिनके यहाँ आबाई जंगल होते हैं। अच्छा, अब उनके साथ वो आबाई जंगल का बड़ा के जनाब घने दरख्त हों, शजर हों, और उसमें पता नहीं वो एक ख़ास नेचर जो उतरती है उसमें, उसमें जो भेद होते हैं, जो मिस्ट्री होती, तो फिर मेडो का वो जंगल मेरा ख्याल है कि जब से वो आबाद हुआ है, जब तख्लीक हुआ है, जब भी कायनात के बाद जब उसकी बारी आई, तो तब से लेके तकरीबन अब तक वो जू का तू था। एक तो उसके ज़्यादा लोग अंदर नहीं जाते थे, सासों वाले जाते, चंद एक गड़ैये चले गए और वो अपने काम के लिए जो गिरे हुए दरख्त हैं उनकी लकड़ी उठा लाते थे। उसके अलावा जो घास थी वो उसी तरह उगती चली जा रही है, जो नदियाँ हैं छोटी छोटी वो उसी तरह बहती चली जा रही हैं, जो पत्थर यहाँ था आज से 1000 पहले वो वहीं पड़ा हुआ है, उसके ऊपर काई जो जमी हुई है वो 1000 की काई जमी हुई है। चुनाची अजीबो गरीब शेप्स हैं उस सारी थी उसके अंदर जब आप चलते थे, क्योंकि वो मतलब काई जमी हुई है, बारिशों के पानी हैं और कहीं पे बर्फ़ें भी जब वहाँ पे गिरती हैं, और फिर वो गिरते हैं और वो जो शजर गिरते हैं फिर वो गल जाते हैं, और गल जाते हैं तो उनमें से नए पौधे फूट रहे हैं जी। वो नए शजर फूट रहे हैं, तो मतलब जिसको मैं फेरी लैंड कहता हूँ ना, फेरी मेडो दरअसल फेरी लैंड जो है वो उसका जंगल हुआ करता था। और उसमें लकड़ी इतनी आम थी वकार कि बाद में जिसको मैं प्रिंस ऑफ फेरी मेडो कहता हूँ, रहमत नबी मेरा दोस्त बना, तो वही ख्वाहिश जो मैं जब मेरी बेगम कहती है कि 8-10 जगह तो तुम अपने ज़ाती मकान बना चुके हो, मज़ीद क्या करो, जहाँ जाते हैं ख्वाहिश होती है कि यार ये अगर शमशाल में एक छोटा सी कोठरी होती ना तो ऐसा बड़ा मज़ा आता है यहाँ ज़िंदगी गुजारने के, या खपलू में एक घर होता वो बांस का बना हुआ और ऊपर उसमें खुबानियाँ होती हैं और नीचे से एक बर्फानी नरबूज होता है, तो इसी तरह ही ना वह फेरी मेडो को तो शरीर ख्वाहिश पैदा हुई। तो मुझे अब तक याद कि रहमत नबी कहने लगा कि राम साहब अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ज़मीन मेरी, उसका कोई चार्ज नहीं, ठीक है, तो आप कितना बड़ा घर जाते हैं। मैंने कहा मैं घर नहीं जाता, एक हट जाता हूँ, और उसमें सिर्फ ये हो कि भाई एक कमरा हो जिसमें बैठा जाए, उसमें बेशक सो जाए एक छोटा सा, और पढ़ने लिखने के लिए, और मंजर हो, उसकी खिड़कियाँ हो लकड़ी का बना हो। तो उसने एस्टीमेट लगाया तो कहने लगा ये 22000 में बन जाएगा।
मैंने कहा अहमद नवी 22,000 में किस तरह, कहने लगा जमीन मेरी बहुत सारी पड़ी हुई है, उसमें से 5 मरले के ऊपर आप हट बना लेंगे तो मुझे कोई नुकसान नहीं है, दूसरा लकड़ी की कोई कीमत नहीं, लकड़ी यहाँ पे फेरी मेडों में पड़ी हुई, यानी यू कुड टेक इट, क्योंकि उसको वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं ना किया जा सकता था, नीचे गिलगित तक तो लाया नहीं जा सकता, सड़क नहीं, और मतलब गधे के ऊपर भी आप लकड़ी लाद के तो बॉर्डर के साथ थोड़ी लाएंगे, तो वो लकड़ी पड़ी हुई थी और उसने कहा कि बाकी ये जो मैं 20,000 कह रहा हूँ, ये जो उसकी बनाएगा जी, ये उसकी मजदूरी है या कोई कील कांटे लेना थे, मतलब इस तरह वहाँ पे लकड़ी जो थी आम थी। उसके बाद जाहिर है कि बगेड़ी असलम ने वहाँ पे जो जंगल खरीदा वो गवर्नमेंट से ही खरीदा उनके अप्रूवल से, और उनका कोई अपना सिस्टम होगा कि कौन सा दरख्त काटना है या नहीं काटना, लेकिन ये है कि भाई वो एक नेशनल एक एसेट है, जिस तरह अफ्रीका में अपना अमेरिका में जो आपके नेशनल पार्क्स हैं, आप एक भी दरख्त उसमें से नहीं काट सकते, एक भी नहीं काट सकते, वो नेशनल वो मॉन्यूमेंट्स जिस तरह PTDC वाले मॉन्यूमेंट है उनको ढा रहे हैं, इसी तरह इन जंगलों को ढा रहे हैं। तो आपको याद आ गया जब हम गए थे हरामोश, तो किस तरह उनके कटे हुए तने पड़े हुए थे दरख्तों के, जंगल काफ़ी जो जगह थी वो बिल्कुल गंजी हो चुकी थी। तो ये तो मतलब सियासतदान हैं जिनके फैसले हैं, उन जो महकमा जंगलात वाले हैं जो पावरफुल लोग हैं, हम तो ऐसे ही मातम करने वालों में है ना। मैं आपको मायूस नहीं करना चाहता ना ही परेशान करना चाहता हूँ, लेकिन एक्चुअली हरामोश में अभी भी यही सूरत हाल है, इस तरह जंगल कट रहे हैं, इसी तरह सारा मामला है, पूरे पाकिस्तान में यही सूरत हाल है, बहुत सारी जो जगह हैं यहाँ पे जहाँ पे हमने कहा था कि दरख्तों की ऐसे लगता है हरामोश में जैसे लाशें पड़ी हुई हैं, तो वो तो खैर सर तार साहब आपने फर्स्ट टाइम गए हैं फेरी मेडोज में, अभी तक कन्फ्यूज़ हूँ कि एक्चुअली आपने कैंप किस जगह पे किया, क्योंकि आप अपने काम का काफ़ी अहवाल दिया है अपनी किताब में। एक तो जो हट बनाया है रहमत नबी ने आपके नाम से, जो मुस्तनसर से एक हरमन बोल के नाम से है, एक आपके नाम से है, और आगे कोई पत्थर सा भी पड़ा हुआ है जिसके बारे में रहमत नबी ने मुझे बताया था कि यहाँ पर आप इस पत्थर पर बैठे रहा करते थे। तो ये जो अभी मौजूदा फेरी मेडोज में जो हट आपके नाम से है, तो तकरीबन यही वो जगह बनती है जहाँ आपने पहली दफ़ा कैंप किया था? नहीं, एक्चुअली मैंने जब उन्होंने वो नीचे, आपको याद है कि भाई वो थोड़ा सा पॉन्ड्स आया उसमें फेरी मेडो में, जितनी तस्वीरें हैं सुबह के वक्त सारे लोग वहाँ से लेते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट रहा होता है नांगा पर्वत का, और वो बड़ी ज़बरदस्त जगह खैर वहाँ पर। तो मुझे उन्होंने कहा कि, मैंने कहा भाई यहाँ से तो पूरा मंजर नज़र नहीं आ रहा, तो कहीं और लगाते हैं, तो मैं इधर उधर भागता फिरा, बड़ी एनर्जी आ गई उसको देख के फेरी मेडो को। तो वो सबसे बुलंद रिज जो थी वहाँ पे जाके, तो पूरा सामने अपना रायकोट ग्लेशियर भी, मैंने कहा यहाँ से, वो कहने लगा जी रात को आपकी कुल्फी जम जाएगी, ये इतनी तेज़ हवा आती है उधर से नांगा पर्वत से। मैं कहा जम जाए नांगा पर्वत देख के जमेगी ना, हमें कोई परवाह नहीं, वहाँ पर मैंने टेंट लगाया। तो वो बड़ा अरसा उन्होंने प्रिजर्व की, बहुत सारे लोग जाके वहाँ पे देखते भी हैं, वहाँ पे एक लेक को भी रहमत नबी और उसके सारे ने वो उसको ब्रांड किया एज तार लेक, और कई नक्शों में भी वो, उसके बाद मुझे नहीं मालूम, मुझे रहमत नबी ने बहुत मरतबा कहा कि आप आएँ तो हम उसका इफ्तिताह कर देते हैं, उसके ऊपर वहाँ पर कुछ लगा देते हैं, लेकिन बहरहाल मैं जा नहीं सका। अब हालात और चुके और हो चुके, एक तो वो जनरेशन के साथ मेरी दोस्ती थी जो जानते थे कि उन वक्तों में वहाँ पे कोई भी नहीं आता था जब मैं गया हूँ, वो मेरी कदर ज़्यादा करते थे, जो अब उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन है वो जानते तो मुझे हैं, क्योंकि हर शख्स मेरे बारे में पूछता है जब वहाँ पे जाता है कि जी तार साहब कहाँ गए थे, कहाँ बैठे थे, लेकिन उनके जाहिर है कि दिल में वो नहीं है। दूसरा ये है कि चीज़ों की कीमत ज़्यादा हो गई, अब वो ये है कि वो लेक में मतलब कईयों को ये होता है कि शायद ये अपने नाम रख के पता नहीं अपने नाम ही कर लें, वो जो है अपना आगे जाएं, हर जगह वो बाड़ें लगी हुई हैं और मतलब वो मंजर जो है सारे वो मजरू हो रहे हैं, तो सूरत हाल बदल चुकी है। बहुत शुक्रिया तार साहब, आपसे बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू रही नांगा पर्वत के हवाले से, और नांगा पर्वत तो बस एक सेंट्रल एक एक मौजू गुफ्तगू है, अदरवाइज़ हम तो हर तरफ निकल जाते हैं।
बहुत शुक्रिया आपका, देखते रहिए निकले तेरी तलाश। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब कुछ क्रिकेट की बात करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच जारी है और इसमें श्रीलंका की बैटिंग जारी है। गुज़िश्ता रोज श्रीलंका ने टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे गॉल टेस्ट में बैटिंग का फैसला किया था। अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें 8 खिलाड़ी आउट हुए और 344 रन श्रीलंका की टीम बना चुकी है, जबकि 95 ओवर्स का खेल हुआ है। कौमी टीम में दो तब्दीलियाँ की गई हैं। अज़हर अली नहीं हैं, फवाद आलम हैं, जिनके बारे में पहले बहुत हमने बात की थी। शाहीन शाह आफरीदी की जगह नौमान अली टीम में शामिल हैं। यहाँ पे ये भी याद रहे कि जो दो टेस्ट मैचों की सीरीज है इसमें पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पहला टेस्ट पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया था। इसी हवाले से और टीम में जो चेंजेस हुए उस पर भी बात करते हैं और अभी ओवरऑल जो गेम की सिचुएशन है उस पर भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ सलीम खालिक साहब मौजूद है। सलीम साहब बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेस। आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो अभी तक स्कोर की बात करें, ऑब्वियसली मैच अभी चल रहा है, आप किस तरह से देखते हैं जो टीम में दो तब्दीलियाँ की गई हैं? अज़हर अली के परफॉर्मेंस पर हमने लास्ट टेस्ट में बात की थी और उसके साथ साथ फवाद आलम को रखा गया है, शाहीन शाह अफरीदी की जगह नुमान अली को शामिल किया गया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इससे पहले तो अभी तक की जो पोजीशन है वो श्रीलंका लग रहा था बड़ा स्कोर करेगा, और लेकिन आज जो नसीम शाह हैं बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं और एक अच्छा नाश्ता करके आए हैं, लग रहा है बड़ा जोर जोर से उनकी खतरनाक बॉलिंग आ रही है जो श्रीलंका के बैट्समैन है बड़े परेशान हो रहे, तो उसकी वजह से पाकिस्तान को ना कमबैक करने का मौका मिल गया, वरना अगर 400 से ज्यादा रन बन जाते तो मसला होता। अब तो बिल्कुल टेल एंडर है, अगर अभी भी 400 रन बना दिए तो बड़े अफसोस की बात होगी। आई डोंट थिंक 400 रन तक श्रीलंका पहुंचेगा। अब पाकिस्तान के लिए यही एक मौका है जल्दी जल्दी बाकी दोनों विकेटें भी ले और उसके बाद फिर कम से कम उसको 500 रन तो करने पड़ेंगे जिससे फिर जो है मैच जो है वो पाकिस्तान के लिए एक इवन होगा। अब रही बात जो चेंजेस हैं उनके हवाले से, तो चेंजेस बिल्कुल ठीक हुई। देखें नाम पे हम कब तक खिलाएंगे कि जी अज़हर अली ने इस वक्त ये किया था, अज़हर अली ने इस वक्त वो किया था। अब जो करंट उनकी परफॉर्मेंस है पिछले कुछ मैचों से वो इतनी अच्छी चल नहीं रही, तो इसलिए जो है वो उनको अब बाहर करना जरूरी था। और 37 ईयर ओल्ड हो चुके हैं वो, अगर पाकिस्तान टीम इस मैच में अच्छा परफॉर्म करती है बैटिंग में भी तो उनके लिए कम बैक मुश्किल हो जाएगा। फवाद आलम की जगह बनती थी, आप लोगों ने भी बाकी लोगों ने भी बड़ा कहा था कि सिर्फ एक सीरीज की नाकामी पे उनको बाहर करना ठीक नहीं था, और अब वो आए हैं तो बैटिंग लाइन पाकिस्तान की जो है वो मजबूत हुई है और खासतौर पर जो स्पिनर्स हैं फवाद उनको जरा अच्छी तरह से खेलते हैं। श्रीलंकन स्पिनर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अब एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर भी वो ले आए, 19 ईयर ओल्ड है जो वर्ल्ड कप में खेले थे अंडर 19। तो अब जो है श्रीलंका के जो स्पिनर्स हैं उनके सामने पाकिस्तान की बैटिंग भी और मजीद जो है मजबूत होगी। अच्छा नसीम का आपने जिक्र किया, तो इनका जो पहला स्पेल था वो भी बड़ा क्लासी रहा है, वो भी बड़ा जबरदस्त था, बड़ा उन्होंने नचाया अपनी पेस से बैट्समैन को, और इस वक्त 16.3 ओवर्स करा के 52 रन दिए और 3 विकेट हासिल किए हैं, बड़ा जबरदस्त उनका एवरेज है। मैं जरा आगा सलमान के हवाले से आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पिछले मैच के अंदर बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं रहे, उनको चांस दिया गया दोबारा से, 6 ओवर्स 25 रन 9 विकेट, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए इसमें ना दो चीजें हैं, एक है कि एक हमारे पास इन फॉर्म जो बैट्समैन है शान मसूद वो बैठे हुए ड्रेसिंग रूम में, इंग्लैंड में उन्होंने आपने पढ़ा होगा कि रन्स के ढेर लगा दिए, सिर्फ पहले भी अच्छा परफॉर्म करते हुए आए, और ये जो सीरीज हो रही है ये ICC टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल है, नंबर 3 पाकिस्तान टीम है, गोल्डन चांस है फाइनल खेलने का पाकिस्तान के पास। एक तरफ अगर हम देखें तो सलमान अली आगा का पिछले मैच में डेब्यू हुआ था, एक मैच की बेस पे किसी की सलाहियत को नहीं जांचना चाहिए, मैं इसका हामी हूँ, लेकिन अगर हम टीम को देखें इस वक्त टीम की जो सूरत हाल है, टेस्ट चैंपियनशिप की बात है या क्लीन स्वीप की बात है, तो उनको हमें बाहर बिठा के शान मसूद को ये मैच खिलाना चाहिए था, और फिर अगली कोई सीरीज होती उसमें सलमान अली आगा को ड्रॉप नहीं करते, उनको बरकरार रखते, फिर उनको मौका देते, प्रॉपर चांस इस तरह होता, स्क्वाड में तो थे ना वो, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ये टीम मैनेजमेंट जो है उनसे गलती हो गई। एक इनफॉर्म प्लेयर है, आप आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आपको एक साल बाद चांस मिलेगा तो फायदा क्या, आप जरूर थोड़ी आप ये कह रहे हैं कि उनका इस सीरीज में डेब्यू नहीं बनता था? नहीं, डेब्यू आपने वैसे तो शान मसूद को खिलाना चाहिए था, स्क्वाड में आपने रखा था, बिल्कुल आप रखते, डेब्यू अगर नहीं भी कराते तो अगली सीरीज में भी रखते ना, जैसे अभी एक टेस्ट को खिलाया उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। अच्छा चूंकि तो ये नहीं है कि उनको ड्रॉप करते हैं। जो कि आपने बात की है फवाद आलम की, तो फवाद आलम की क्रिकेट हमने देखी, उनका कमबैक बड़ा हीरोइक किस्म का था, बड़ा जबरदस्त कमबैक था, जब वो वापस आए फिर उन्होंने स्कोर भी किया, फिर थोड़ा सा उनका बैड पैच अभी चल रहा है मुझे लगता है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है और खासतौर पर हमारा जो मिडिल ऑर्डर है इसके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और पिछले मैच में तो टॉप ऑर्डर भी बिल्कुल नहीं चला, अज़हर अली का जिक्र हम कर चुके, इमाम वगैरह कुछ बहुत अच्छा हमें नहीं मिला,
खेला एक्सेप्ट अब्दुल्ला शफीक जिनकी एक बड़ी मैजिकल इनिंग चली और हम निकाल लिया हमने टेस्ट को, तो इस बारे में भी जरा कमेंट चाहिए आपका। फवाद आलम की फॉर्म तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में नो डाउट जो थी वो अच्छी नहीं थी, और उनका आपको पता है स्टांस ऐसा होता है कि बिल्कुल विकेट छोड़ देते हैं कि बॉलर को कह रहे होते आओ हिम्मत है तो बेटा मुझे आउट करो। अब आप ऑस्ट्रेलियंस को तो ऐसा नहीं कह सकते ना, आप चलो बांग्लादेश श्रीलंका को कह दो, अब वो ऑस्ट्रेलियंस है उन्होंने उनको आउट मार भी देनी है। लेकिन अब ये श्रीलंका की जो टीम है ना, श्रीलंका के स्पिनर है उनके पास और स्पिनर्स के ऊपर आप समझ ले पीएचडी है फवाद आलम, तो आई होप कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। और ओपनिंग की जहां तक बात रही तो जो हमने पिछला मैच जीता उसके सेकंड इनिंग में जो पार्टनरशिप मिली थी, इमाम ने को 50 नहीं कर सके थे लेकिन अब्दुल्ला के साथ उनकी पार्टनरशिप अच्छी थी और फतह में अहम किरदार रहा था उसका। रही बात अब हमारी जो है बैटिंग लाइन काफी जो है वो बजाहिर स्ट्रॉन्ग नजर आती है, बाबर को वन डाउन आना चाहिए और अब अजर नहीं है तो बाबर वन डाउन आए, जिम्मेदारी लें बजाय इसके किसी बच्चे को भेज दें वो के यार जाओ, या किसी ऐसे प्लेयर को भेज दे जिसकी टीम में जगह नहीं बनती, कैप्टन को खुद आना चाहिए। वैसे आपने कल देखा बाबर ने दो कैच ड्रॉप कर दिए। हाँ जी, मैं अगला सवाल यही करने वाली थी कि कैच ड्रॉप कर दिए कल बाबर ने दो। हाँ तो अच्छा हुआ, अच्छा इस तरह से हुआ कि हम लोगों को अब लगेगा अबे बाबर भी इंसान है उससे भी गलतियां हो सकती है। वो भी कैच एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई कर दी है बाबर ने, हमारी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं, कभी विराट कोहली को पीछे छोड़ते हैं, कंपैरिजन आ जाता है, फिर वो एक्सपेक्टेशन तो सबको लगता है कि टीम में कोई परफॉर्म करे ना करे बाबर तो परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। मुझे इमरान खान साहब की बात याद आती है ना, वो कहते हैं कि हम जब हार के आते थे तो रास्ता बदल बदल के घर जाते थे और जीत के आते थे तो वो जीत के हम इतना ऊपर ले जाते हैं फिर हार के उतना ही नीचे गिराते हैं ऐसे बड़े प्लेयर्स को, तो ये आपने अच्छी बात की कि थोड़ा हुआ। अच्छा अब सलीम खालिक साहब आगे अब इस टेस्ट में ऑब्वियसली अल्लाह करे कि ये टेस्ट भी हम जीत जाएं और जिस तरह से पहले टेस्ट ने हमारे मोराल काफ़ी बुलंद की, आइंदा पाकिस्तान की जो टेस्ट रैंकिंग है उस पर किस तरह से आप इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा इस सीरीज का इम्पैक्ट पड़ना है, इस जो अगला मैच है पाकिस्तान को बिल्कुल जीतना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास जैसे मैंने पहले कहा कि गोल्डन चांस है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने का ना, तो अब उसमें अभी भी इनको चाहिए कि बिल्कुल जीतने की कोशिश करें लेकिन थोड़ा तेज खेलना पड़ेगा। तेज का मतलब ये नहीं कि चौके छक्के मारते रहो, जैसे श्रीलंका खेला था कि 3.35 की शायद उसकी एवरेज थी और अजहर अली के जाने से शायद पाकिस्तान के जो स्ट्राइक जो एवरेज है थोड़ी बेहतर होगी क्योंकि अजहर अली आपको पता है आप सुबह उठेंगे टीवी देखेंगे तो अजहर अली बैटिंग कर रहे होंगे अगर उनकी बेहतर फॉर्म हो, शाम को आप अगर कहीं काम काज करके आके फिर टीवी लगाएंगे तो फिर अजहर अली खेल रहे होंगे 40-50 तक नहीं बनाए होंगे। तहम्मुल मिजाज। अच्छा हम आप दूसरी साइड को डिस्कस करना हम भूल रहे हैं, श्रीलंकन स्क्वाड इन माय पर्सनल ओपिनियन जैसे हमारी तवक्को थी उससे बेहतर परफॉर्म किया, उन्होंने टफ टाइम दिया, दो के दूसरी इनिंग में वो विकेट नहीं ले सके उस तरीके से लेकिन अच्छा स्कोर उन्होंने हमारे सामने रखा और एक टाइम पे हमें लगा कि शायद हम चेज न कर पाएं जब व्हेन इट क्रॉस 342 तक पहुंच गया। अब तो श्रीलंकन स्क्वाड को आप कैसे देख रहे हैं, उन्होंने क्या सीखा है पहले मैच से और वो दूसरे मैच में इंप्रूव नजर आ रहे हैं आपको? पहली इनिंग में तो आ रहे हैं वैसे, ज्यादा स्कोर किया उन्होंने, अब बिल्कुल इम्प्रूव नजर आ रहे हैं। हम अगर ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज को देखें जो पिछली श्रीलंका ने बराबर की है उसमें पहला मैच जो था श्रीलंका हार गया था और दूसरा मैच उसने इनिंग से जीता था, इसका मतलब है कि वो अपनी गलतियों से सबक सीखते हैं और उसके बाद कमबैक करते हैं और घर पे तो आपको पता है सभी शेयर होते हैं। अब श्रीलंका के एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हमसे नहीं संभल रहा था प्रभात जयसूर्या, अब जो है एक दूसरा लेफ्ट आर्म स्पिनर भी ले आए हैं वो, तो पाकिस्तान के जो बैट्समैन है उनके लिए कोई इतना आसान नहीं होगा, पाकिस्तान के लिए भी यहाँ पर बैटिंग जो है वो बहुत देखभाल कर खेलना पड़ेगी और 50% हमारी बैटिंग तो एनएसआर करती है बाबर आजम पर और अगर वो वन डाउन पर आए तो अल्लाह करे बड़ी इनिंग वो खेले। अब्दुल्ला शफीक ने नो डाउट पिछले मैच में बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया लेकिन नए प्लेयर हैं और हर इनिंग में हम उनसे यही तवक्को करें कि जी वो 170-180 रन करेंगे तो वो तो ठीक नहीं होगा। ऑन पेपर हमारी बैटिंग लाइन काफी अच्छी है और होपफुली अच्छा परफॉर्म करेगी, कम से कम 500 रन तो आपको बनाने पड़ेंगे, अगर अपने 500 रन बनाए फिर जाकर जो है मजा आएगा। और 500 रन का मतलब ये है कम से कम दो लोगों को लंबी इनिंग्स कम से कम दो लोगों को खेलनी पड़ेगी तभी हो पाएगा। ये गेम स्ट्रेटजी ठीक है हमारी, वही गेम स्ट्रेटजी है, डू यू सी एनी चेंज इन गेम स्ट्रेटजी खासतौर पे हमने जैसे बॉल किया? देखिए कल रन हमने ज्यादा करवा दिए, अगर हमारी टीम कभी टॉस जीतकर पहले बैटिंग करे तो हमारे इतना स्कोर नहीं होता, 300 प्लस हमने रन करा दिए, तो शाहीन शाह आफरीदी की हमें जो है वो कमी महसूस हुई इस मैच में। यूजुअली होता ही है कि शाहीन शाह आफरीदी इब्तिदा में एक दो विकेट ले लेते हैं जिसकी वजह से हरीफ टीम जो है थोड़ा प्रेशर में आ जाती है, फिर अगर स्पिनर्स आए तो वो लोग अच्छा आउट कर देते हैं। बदकिस्मती से हम लोगों ने शाहीन शाह आफरीदी को समझा बॉलिंग मशीन,
कि बटन दबा दिया भाई, वो उधर से करते रहेगा, बॉलिंग करता रहेगा, टेस्ट है खिलाओ, वनडे हो खिलाओ, T20 खिलाओ, PSL खिलाओ, फलाना खिलाओ, खेल खेल के बेचारे को बिल्कुल। अच्छा, इसमें सिर्फ PCB जिम्मेदार नहीं है, टीम मैनेजमेंट शाहीन भी, जाहिर है उनकी भी ख्वाहिश है कि वो खेले ज्यादा से ज्यादा। लेकिन हम लोग हमेशा यही बात करते रहे, जैसे जिम्बाब्वे से मैच है, कोई ऐसा गैर अहम मैच वहाँ उनको रेस्ट देना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए, ठीक है। और हमारे पास अच्छी स्ट्रेंथ मौजूद है पेस अटैक में, और उसके साथ साथ हमें एक्सपेक्टेशंस भी थोड़ी कम रखनी है। विकेट और ब्रेकिंग आ गई है, एक विकेट और गिर गई है। मत सलीम साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, मैच के ऊपर एनालिसिस दे रहे थे। सलीम खालिक हमारे साथ मौजूद थे और मौजूदा सूरतेहाल में एक विकेट डाउन हुआ। एंड व्हाट आई वांट इज मैच का फैसला हो भाई, हमें ड्रॉ मैचेस नहीं पसंद, जो जो भी जीते दोनों खेलने की जीतेगा, फैसला होना चाहिए। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब कोविड की तो हम बात करते हैं, कोविड के केसेस तो बढ़े, लेकिन उसके साथ साथ मंकी पॉक्स दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आने लगा है। अफ्रीका से निकलने वाला जी ये वायरस दुनिया के 70 से ज्यादा ममालिक में फैल चुका है, और मई से अब तक मंकी पॉक्स के 16,000 से ज्यादा केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो तबी माहरीन है, उनके मुताबिक जो मंकी पॉक्स की वबा से पैदा होने वाली जो सूरत हाल है, इस पर गौर के बाद इसे आलमी इमरजेंसी भी करार दिया गया है। और WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स की वबा एक गैर मामूली वाकया है, और ये मजीद ममालिक में भी फैल सकता है। इस हवाले से जी हम बात कर लेते हैं, हमारे से डॉक्टर फैसल महमूद हैं। डॉक्टर फैसल, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो हम इसको ज़रा डिस्कस करें कि मंकी पॉक्स के बाद जो इसके फैलने की इंटेंसिटी है, और जिसे इसे आलमी इमरजेंसी के तौर पर कहा जा रहा है, क्या सूरत हाल है फिलहाल मंकी पॉक्स की, अगर हम बात करें ओवरऑल? जी सलाम सलाम लाने का शुक्रिया। तो देखिए, मंकी पॉक्स दुनिया में फैल जरूर रहा है, मगर कोविड के बरक्स ये पुराना वायरस है, इसके बारे में हम जानते हैं। दूसरी चीज ये कि ये कोविड इतनी तेज से नहीं फैल रहा, और सिर्फ कुछ मखसूस ग्रुप्स में ज्यादा ये पाया जा रहा है, मगर द रीजन वाई WHO ने इसमें इमरजेंसी करार दिया इस क्योंकि ये इतनी तेजी से फैला है। बट इवन WHO के अंदर भी ये कन्फर्म नहीं था कि इसको इमरजेंसी हम करार करें या ना दें। अच्छा, तो खैर उन्होंने करार दे दिया तो है। आप कह रहे हैं कि इतना नुकसानदेह नहीं, नुकसानदेह किस सूरत में नहीं है डॉक्टर साहब? फैलने के हवाले से ज्यादा नुकसानदेह नहीं है या प्रिवेंशन के हवाले से ज्यादा नुकसानदेह नहीं है? तो इसमें तीन चीजें हैं। एक तो ये बहुत तेज से नहीं फैलता, इसके लिए थोड़ा सा क्लोज टच की जरूरत होती है, ये हवा में इतना तेज से ये सफर नहीं करता। दूसरी चीज ये कि इसके अंदर दाने निकलते हैं जो कि यूजली बाहर नजर आ सकते हैं, तो यानी कि इसके रोकथाम निस्बतन आसान है। तीसरी चीज, इसके लिए वैक्सीन भी मौजूद है और दवाइयां भी मौजूद हैं, मगर वैक्सीन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को मंकी पॉक्स है तो वो जो उसका इन्फेक्टेड एरिया है, इफ दैट एरिया टचेस टू समवन एल्स, या फिर वैसे ही किसी को है और उससे हाथ भी मिलाएंगे तो हो जाएगा, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। हाँ, तो अगर इन्फेक्टेड एरिया टच करे, या अगर इन्फेक्टेड एरिया ने किसी चीज को टच किया हो और फिर आप उसको टच करें, जैसे कि अगर 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 जिस्म पे हो, कपड़े पहने हुए हो, तो कपड़ों से फेल लग सकता है, तो इनडायरेक्टली। एंड देन फाइनली इसकी, हाँ जी, मगर मसला है कि वायरस, इसके वैक्सीन और अद्वियात हैं तो सही, मगर ये थोड़ी मुश्किल से मिलती है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर साहब, एक और भी चीज बताइए, इसमें ये जो इसकी निशानी है कि इसमें दाने बनते हैं स्किन के ऊपर छोटे छोटे, जो हमने देखा है तस्वीरों के अंदर, तो क्या वो इसकी जो इसका फैलाव है या बीमारी का हो जाना, वो उतना ही है कि दाने बन गए एंड देन उन्होंने ठीक होना है, या वो फिर आगे फर्दर एक्सटेंड हो सकता है, उसमें पस पड़ सकती है, वो मजीद एक फर्दर इन्फेक्शन की जानिब जा सकते हैं, इसकी स्टेजेस हैं या बस एक ही स्टेज है कि हो गया और फिर ठीक हो गया या खराब हो गया? जी, तो शुरू में इसमें बुखार होता है, फिर ये दाने निकलते हैं। अच्छा। और ये दाने जो है वो अब डिपेंड करता है इस, ये जो आजकल जो मंकी पॉक्स फैला हुआ है पुराने मंकी पॉक्स से, इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ ये कि पुराना वाला यूजी चेहरे पे वगैरह पे पहले शुरू होता था, ये वाला दूसरी जगहों पे भी हो रहा है और थोड़ा सा मखसूस एरियाज में भी कभी कभार आ रहा है, जैसे कि पेशाब की जगह वगैरह के भी आ रहा है ये, मगर ये पहले दाना निकलता है, फिर उसमें पानी आता है, बिल्कुल जैसे चिकन पॉक्स होता है उसी तरह का निकलता है, और उसमें फिर इन्फेक्शन भी होता है। अच्छा डॉक्टर फैसल, ऑब्वियसली आपने कहा मेडिसिन के हवाले से कि इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, तो इसका बेसिकली क्योर, या हम ऑब्वियसली आप जो टच से आपने कहा कि फैलता तो है, लेकिन इसकी इलाज के लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकती हैं, या अगर हमें मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो क्या ये इतना ज्यादा इसको डेंजरस कह सकते हैं, जानलेवा कह सकते हैं इस मर्ज को हम? जी, तो ये बहुत जानलेवा तो नहीं है, मगर ये तकलीफ तो जरूर होता है,
और बगैर दवाई के भी काफी लोग मेरे खासतौर पर जिनकी कुव्वत मदार फिर ठीक है ये बेहतर हो जाता है। टाइम लगाता है, 2-3 हफ्ते लगते हैं इसको ठीक होने में, मगर बेहतर जरूर हो जाता है। तो चिकन पॉक्स की तो वैक्सीन हमें लगी हुई है बचपन में, और अक्सर चिकन पॉक्स तो हमने देखा कि बचपन में बच्चों को ही होता है, बड़े बड़े लोगों को, एडल्ट्स को तो नहीं होता है। तो हमें अगर चिकन पॉक्स की वैक्सीन इससे पहले लगी हुई हैं जो बचपन में हमें लगती है, आई एम नॉट श्योर, वैसे मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, तो क्या आप खुद को वैक्सीनेटेड समझें या इसके लिए कोई और वैक्सीन रिकमेंड करें आप? जी नहीं, तो चिकन पॉक्स की वैक्सीन इसको कवर नहीं करेगी। अच्छा। इसकी जो वैक्सीन है वो स्मॉल पॉक्स वाली वैक्सीन है जो कि हमारे जो थोड़े से ज़ईफ लोग हैं उनको लग चुकी थी बचपन में। अच्छा। अब चूंकि स्मॉल पॉक्स भी इसको कवर करती है, मगर अब इतना टाइम हो गया लोगों को स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन नहीं लगे हुए, तो इससे ये लगता है, हमको लगता है ये वायरस वापस आ रहा है। ये तो क्या अभी डॉक्टर साहब इसकी जरूरत है कि हुकूमत जैसे कोविड के वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए थे, जैसे कादिर पटेल साहब जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं अभी हमारे, उन्होंने कहा है कि हमने जो मुख्तलिफ हवाई अड्डे हैं, बंदरगाहें हैं, बैन अलावामी बॉर्डर हैं, इनके ऊपर तो हम एक इसको चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, वहाँ पर स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तो क्या वैक्सीनेशन सेंटर्स भी वैसे बनाने की जरूरत है या पड़ सकती है इन फ्यूचर, इसकी इंटेंसिटी को देखते हुए आपकी क्या राय? जी अनलाइकली, एट दिस पॉइंट इवन जहाँ जिन ममालिक में जहाँ भी पाया जा रहा है वहाँ पे भी हम ये कहते हैं कि सिर्फ हाई रिस्क वाले लोगों को वैक्सीन करें, पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीन करने की जरूरत नहीं है अभी। आई डोंट थिंक इसके लिए सेंटर या हमको वैक्सीन के एक्स्ट्रा, मतलब जिस तरह कोविड की वैक्सीनेशन में थी उस दर्जे तक वैक्सीनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, लेकिन स्टिल ऑब्वियसली एहतियात जरूरी है कि अल्लाह ना करे जैसे कोविड में हमने लापरवाही बरती थी तो damages your skin like anything. आप अगर गूगल पे लिखें मंकी पॉक्स तो आपको पता लगेगा। अच्छा नहीं, वैसे ना गूगल पे कोई चीज मत देखा करें, बड़ी वैसे हाँ करेक्ट इन्फॉर्मेशन कम ही होती है, लेकिन वो अच्छा मैं उसको फिर चेंज कर लूँ अपने ख्याल को। हाँ प्लीज ना करें आप गूगल पे, आपको ऐसे लगता है आप एक चीज डालें 100 बीमारी आपको ही लगेगी। तो टिकटॉक की बात नहीं कर रहा मैं, गूगल की बात कर रहा हूँ, वो टिकटॉक पे होता है जरा ज्यादा। अच्छा नहीं लिखे जी गूगल पे, सही कह रही हूँ, कम होती है करेक्ट इन्फॉर्मेशन। बहरहाल बी सेफ, एहतियात करें, एहतियात सबसे जरूरी चीज है, और कोविड से जरूर बचें, इत्तलात कोविड के हवाले से भी ठीक नहीं आ रही है। ब्रेक लेते हैं।